मोदी अक्सिडिन बाकी और 23 बसर लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। सुख समृद्धिर बीजेपी और 5 बार भोट दी लगे देशवासिये। लक्ष्य है भारत और भारतीयों का सुखी और समृद्ध जीवन। आही मोदी विकास जयगान। लक्ष्य है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का। किंतु विकसित भारत मोदीक लगे और 23 बसर। लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। इसमें असम की नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 सन लोकसभा निर्वाचन फलाफल घोषणार दिन सीदिना निरंकुश संख्यागरिष्ठतार विजय सब्यस्त कर विजेपी नेतृत्धीन एनडीए मित्रजोटे सीदिन जनता सम्बोधि दिल्लीर नरेन्द्र मोदी स्लोगान आज से दिन आ गया। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन वाह। और यह 2024 सन 4 फेब्रुवारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिया वक्तव्य। लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। विशाल राजहुआ सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घोषणा, आमार लक्ष्य देशर जनतार सुख समृद्धि, आमार लक्ष्य देशक विश्वर तृतीय अर्थनीतिर देश हिसाबे गढ़ी तोलार, आमार लक्ष्य 2047 सनर भितरत देशक विकसित राष्ट्र हिसाबे गढ़ी तोला। और ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, ये जो भी काम आज हो रहे हैं इनका एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य है भारत और भारतीयों का सुखी और समृद्ध जीवन। लक्ष्य है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का। लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। शनिवार सन्ध्या प्रवेश करे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। देवबारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्बोधन करे विशाल जनसभा। जनसभा अंश लय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दाबी, डबल इंजिन सरकार कार्यकाल द्रुत विकास घटिसे और उत्तर पूर्वांचल। छनको मेडिकल कलेज स्थापन, नतुन नतुन राष्ट्रीय घाईपथ निर्माण, रेलवे पथ निर्माण आदि द्रुत विकास हुआ दाबी प्रधानमंत्री। असम में भी भाजपा सरकार से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज है। 2014 के बाद रेलवे ट्रैक की लंबाई 1900 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाई गई। 2014 से पहले की तुलना में रेल बजट करीब करीब 400% बढ़ाया गया है। और तब तो प्रधानमंत्री आपके आसाम से चुने जाते थे, उससे ज्यादा काम ये आपका साथी कर रहा। 2014 तक यहां सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। आज 2 और नई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। आनफाले मणिपुर हिंसा संघर्ष अब्याहत थकार मजते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दाबी उत्तर पूर्वांचल नोहवा हत्या हिंसा। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কয় উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্যটনের যথেষ্ট সমল আছে, কিন্তু পূর্বতে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিরাজ করা হত্যা হিংসা অশান্তির উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্যটক আহিব বিচরা নাছিল।
2014 চনৰ পাছত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ শান্তি অহাৰ বাবে পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। মানে কেই বৰ্ষ তক আসাম মে মেৰি পাৰ্টী কে সংগঠন কা কাম কিয়া হে। মই হৰ ইলাকে মে ঘুমা হোৱা ইনসান আৰু মুঝে যাদ হে উস সময় জানে আনে মে এক ৰুকাৱট এ হতি থি কি ৰোড ব্লক কে কাৰ্যক্ৰম मंद के कार्यक्रम और गुवाहाटी तक के अंदर बम ब्लास्ट की घटनाएं मैं अपनी आंखों से देखता था। आज वो भूतकाल बनता चला गया है दोस्तों, लोग शांति से जी रहे हैं। लक्षणीय भावे उत्तर पूर्वांचल बीजेपी सरकार नेतृत्व শান্তি স্থাপন হওয়া বলে দাবি করা প্রধানমন্ত্রীয়ে এবারও উচ্চারণ নকরিলে মণিপুরের সংঘর্ষের প্রসঙ্গ। News Desk Report, Dick Cross Current. আমার সো কল সোসাইটিয়ে এনেকুয়া রিলেশনশিপক কি সিক্রেটে দিয়ে তুমি ভালকে জানা? মই আমার এই সম্পর্কটুক বহুত রেসপেক্ট করো। মই ভাবো তোমালোকৰ এই ভালপোৱা কেৱল কামনাতে সীমাবদ্ধ।